हेलो दोस्तों, एआर मोबाइल रिपेयरिंग चैनल पर आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत दिनों की बात आप सभी के सामने एक लाइव वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे जो तो कमेंट कर रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है मैं लाइव पर आने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मेरा चैनल पर रिपेयरिंग के बारे में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और बहुत लोगों ने मेरा वीडियो देख के बहुत ही फ़ायदा हो रहा है और फ़ायदा ले रहा है। लेकिन मैं रिपेयरिंग मोबाइल फ्लैशिंग करता हूँ, लेकिन बहुत ही वीडियो डाला मेरा चैनल पर आज 2-3 साल से डाल रहा हूँ और बहुत लोगों ने मेरा वीडियो भी देख रहा है। इसलिए बहुत लोगों ने मुझे कमेंट पर रिक्वेस्ट करा मैं एक लाइव पर आने के लिए। तो मेरा आज का मकसद यही है, जो मेरा चैनल पर लाइव वीडियो है लेकिन पूरा इस तरह लाइव पर नहीं आया मैं, और ये बहुत लोगों ने सपोर्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है और सभी के सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल इतना आगे बढ़ा है और सभी का रिक्वेस्ट की वजह से आज मैं लाइव पर आया हूँ। तो दोस्तों, मेरा चैनल पर लगभग 40,000 सब्सक्राइबर हो चुका है। आप सभी के सपोर्ट और प्यार की वजह से हुआ है, क्योंकि ये अकेला पॉसिबल नहीं है, सभी लोग मिलजुल के सपोर्ट किया, प्यार किया, इसलिए मेरा चैनल इतना आगे बढ़ा है। और सभी लोग इसी तरह करते जाइए और मैं रिपेयरिंग के बारे में वीडियो भी और लाने में मज़ा आएगा और सभी को हेल्प सपोर्ट भी होगा मैं जितना ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। क्योंकि मैं अभी लॉकडाउन की वजह से, मेरा यहाँ पर पूरा बहुत दिन लॉकडाउन था, इसलिए लॉकडाउन की वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा दुकान भी बंद था और अभी मेरा यहाँ पर लॉकडाउन छोड़ दिया है, इसलिए दुकान भी ओपन कर लिया। बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, मेरा चैनल पर मिलेगा। और मैं मोबाइल फ्लैशिंग और हार्डवेयरिंग दोनों करता हूँ, इसलिए बहुत लोगों का मज़ा अच्छा आता है, क्योंकि मैं दोनों काम करता हूँ, फ्लैशिंग भी करता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर भी करता हूँ, इसलिए बहुत लोग मेरा चैनल का वीडियो देखता है और बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत लोगों ने बोलता है आप दोनों काम करता है इसलिए अच्छा होता है। देखिए जी, कोई काम करो, मोबाइल रिपेयरिंग फ्लैशिंग अगर दोनों काम करो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों काम करने से क्या होता है, कोई कोई मोबाइल फ्लैशिंग का प्रॉब्लम होता है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होता है और लोगों ने ये सॉफ्टवेयर नहीं करता, सिर्फ ओनली हार्डवेयर करता है, रिपेयर करता है। तो जो लोग मोबाइल रिपेयर करता है, इन सभी के लिए कह रहा हो, अगर दोनों काम करोगे, कोई कोई मोबाइल हीट करो, आईसी चेंज करो, काम नहीं होगा, क्योंकि इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर दोनों काम करते जाओगे तो जो मोबाइल रिपेयरिंग से, हार्डवेयर से नहीं होगा, ये मोबाइल फ्लैश कर लो, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत मोबाइल ऐसा होता है, कभी कभी मोबाइल ऐसा होता है, बहुत लोग मोबाइल लेके आता है और बोलता है ये मोबाइल तो स्विच ऑन नहीं हो रहा है। मैं मोबाइल खुलता हूँ, खुलने के बाद देखता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। बाद में ये मोबाइल क्या करता हूँ, मोबाइल सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ। ज़्यादातर कीपैड फ़ोन पर ऐसा होता है, एंड्रॉयड में कम होता है, तो ये मोबाइल सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ, बहुत ही जल्दी मोबाइल ऑन हो जाता है। और एक बात कह रहा हूँ, आजकल तो कीपैड मोबाइल, छोटा सा एक मोबाइल की बात कर रहा हूँ, सैमसंग गुरु जो होता है 1200 मॉडल, इस मॉडल पर अगर कोई बंदा लेके आ जाए आपके सामने और बोले ये मोबाइल स्विच ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका वजह से इस मोबाइल क्या करना है, पहला मोबाइल खुल लेना है, खुलने के बाद पूरा चेक कर लेना, अगर शॉर्ट नहीं है इस मोबाइल पर, पानी वानी कुछ नहीं लगा है, शॉर्ट नहीं है, तो एक बार बैटरी बूस्ट करके थोड़ा चार्ज करो, पिंग चार्जर से चार्ज करके लगा के एक बार देख लो, अगर ऑन हो गया तो ठीक है, और ना मेराकिल बॉक्स से ये फ्लैश हो जाता है, फुल फ्लैश कर लो, एक फ्लैश वाइल से इसको फुल फ्लैश कर लो, 100% ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। ज़्यादातर मोबाइल पर इस तरह ये प्रॉब्लम होता है, सैमसंग गुरु कीपैड फ़ोन पर। तो बहुत लोग ऐसा है, मेरा जो मार्केट है इस पर बहुत लोगों ने सॉफ्टवेयर नहीं करता है, ओनली रिपेयर करता है, तो इस तरह लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कोई गुरु मोबाइल आने के बाद ये मोबाइल निकालता है, खुलता है, हीट करता है, आईसी चेंज करता है, लेकिन इसका हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस तरह मोबाइल मेरा पास आने के बाद मैं जैसे फ्लैश करता हूँ 100% ये मोबाइल ऑन हो जाता है। इसलिए दोनों काम करना ज़रूरी है, फ्लैशिंग करो, हार्डवेयर करो, दोनों करना ज़रूरी है, दोनों करने के लिए ट्राई करो और बहुत ही अच्छा होगा। ज़्यादा पैसा खर्चा तो नहीं होगा, बहुत ही जल्दी कर सकते हो। फ्लैशिंग करने के लिए एक मेराकिल बॉक्स, EMT डेंगल, MRT डेंगल अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत आसानी से फ्लैश कर सकते हो। और रिपेयर तो हार्डवेयर तो बहुत लोगों ने ट्रेनिंग देता है, क्लास करता है तो सीख जाता है, कोई बंदा किसी दुकान पर रहता है तो सीख जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर भी ऐसा है, अगर बॉक्स ले लोगे तो किसी का हेल्प सपोर्ट की वजह से आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। तो दोस्तों देखिए, मैं बहुत दिनों के बाद लाइव पर आया क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया मैं लाइव पर आने के लिए, और आप सभी का प्यार सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल इतना आगे बढ़ा है, और मैं और वीडियो ज़्यादा अपलोड करने के लिए कोशिश करूँगा और बहुत ही जल्दी जल्दी ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर है सब सब्सक्राइबर एक्टिव है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ, 311 वीडियो डाल चुका हूँ मेरा चैनल पर, लेकिन इतना वीडियो कोई नहीं डालता है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मैं हमेशा वही चाहता हूँ जो काम मैं कर रहा हूँ, जितना तक मैं जानता हूँ काम, मैं दूसरे को शेयर करने के लिए कोशिश करता हूँ। यही है मेरा बचपन से आदत, मैं जितना तक जानता हूँ दूसरे को शेयर करता हूँ, दूसरे को सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं इतना कुछ नहीं कह रहा हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, इतना नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर भी जितना जानता हूँ इतना लोगों को शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो पर अच्छा खासा व्यू भी आ रहा है, ठीक है, और बहुत लोगों ने मेरा वीडियो देख रहा है और बहुत लोगों ने अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है मेरा वीडियो देख के, क्योंकि कमेंट पर पता चल जाता है, लोग डायरेक्ट बोल देता है ये काम करने के बाद मुझे 200 रुपया मिला, आपकी वीडियो देख के ये काम किया तो मुझे 300 रुपया मिला, इस तरह मुझे कमेंट पर बोल देता है, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है और वीडियो अपलोड करने के लिए मन आता है, दिल आता है और मज़ा आता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बहुत ही जल्दी, मेरा दुकान ओपन हो चुका है, बहुत ही जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने के लिए कोशिश करूँगा, सभी का प्यार सपोर्ट मिल रहा है मुझे, जिस तरह बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, और आगे भी इस तरह करते जाइए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, तो क्योंकि मैं काफ़ी लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत ही छोटा वीडियो बना लिया, तो आज के लिए इतना, तो नेक्स्ट वीडियो में